Recently, I went on a road trip with some friends across Koraput district of Odisha in February for a very short time. But trust me, it was a great experience. So, Deomali. Deomali is a beautiful mountain in Eastern Ghat at the elevation of 1672 meters near Dudhari village. And if you are a fan of natural places and lush green landscape, then you will fall for this place in single sight. Hi everyone, मेरा नाम रम्या है और मैं उड़ीसा से हूँ, द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑन बे ऑफ बंगाल. एंड आई विल मेक यू एक्सप्लोर द एंटायर देवमाली एंड द प्लेसेस टू विजिट नियर बाय. सो आज की कहानी शुरू होती है संबलपुर से. अभी हम लोग, मैं और सुकू हैं, और आगे ज्वाइन करेंगे बोबुन, तन्मय भैया और प्रतीक. तो चलिए आगे चलते हैं. डिस्टेंस है फ्रॉम संबलपुर टू देवमाली इज अप्रॉक्स 460 किलोमीटर. तो इस सफ़र में खाते पीते म्यूजिक एंजॉय करते हुए सोनपुर, बलांगीर, फिर भवानीपटना पहुँचे. हम रुके हैं एक ढाबे पे, इसका नाम है डिंग डोंग ढाबा, और बाहर से डेकोरेशन पूरा अच्छा है, आप देख सकते हो. ये वाला बहुत अच्छा दिख रहा है. देखते हैं खाना कैसे टेस्टी है या फिर क्या है. चले चलेते हैं. रात को डिनर किया, फिर चाय पी और पहुँचे सिमिलीगुड़ा. गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30. अभी हम लोग उठ गए हैं, और रात को हम लोग आते आते हमको बहुत लेट हो गया था, तो जल्दी सो गए थे. अभी हम लोग पूरा रेडी हैं के लिए, और राम मंदिर जाने के लिए हमारे बबुल भैया जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं. क्या बबुल? दामन जोड़ी, और देख सकते हो वहाँ पे बेल्कनी का मजा ले रहा है. होटल श्रीराम, जहीं पे कल रात हम लोग रुके थे. अभी हम लोग रेडी हो के अभी निकल गए हैं, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे. नारियल पी के चलते हैं फिर. हाय एवरीबॉडी. हाय एवरीबॉडी. वाइडम पी लो फैट. एवरीबॉडी इज रेडी. ब्रेकफास्ट के बाद नारियल का पानी पी के वी ऑल आर चार्ज. वैसे यहाँ के खाने थोड़ा नहीं, पूरा इंस्पायर है साउथ से. We decided to start a little late since we want to spend the entire day at Deomali. और ये जो मार्केट एरिया है, और यहाँ पे सब्जी और जो आप लेना चाहते हो कैंपिंग के लिए, रात को रहने के लिए, आप सब यहाँ से ले सकते हो. यहाँ पे मार्केट है, और यहाँ पे वेजिटेबल मिलेगा. आपका एंट्री यहाँ से आप जा सकते हो देवमाली टॉप के लिए. हम लोग यहाँ पे थोड़ा सब्जी वब्जी लेके आगे चलेंगे. सबको सब लोग ये भी मटर वटर रोल ले रहे हैं. उंडोली हाटपौधा चौक से जो देवमाली का रास्ता है एट स्कूल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्केच सीनरी ऑन योर ड्राइंग बुक्स, इजंट इट? वेल, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम. लगभग 2 आवर्स जर्नी के बाद अब जिस लैंडस्केप पे हम पहुँचे थे, यहाँ पे ना कोई मकान था ना कोई दुकान था, बस माउंटेन्स और माउंटेन्स. हम लोग पहुँच गए हैं देवमाली पे, यहाँ से और 3 किलोमीटर है यहाँ से. थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लेते हैं, टेस्टी है खाना. भैया रहते हैं यहाँ पे 24/7 रहते हैं,
आपको किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम आएगा तो उनको बोलना चाहिए, उनका अरेंज करके देंगे। खाना खा के चलते हैं, फिर आगे हम लोगों को टाइम भी अपना लगाना है, उनसे उठा उठा करके फिल मारेंगे, थोड़ा चलते आगे। तो फाइनली हम लोग आगे टॉप ऑफ द माउंटेन थे, यहाँ पे कार पार्क किए और थोड़ा पहले तो बोनफायर की, वो भी बहुत मेहनत के बाद। ए टूरिस्ट मे नॉट लाइक टू स्टे अप देयर फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट ए ट्रैवलर वुड लव टू ट्रैक एंड टेंट ए नाइट इन द वैली, जस्ट लाइक यू नो वी गोना। अभी हम लोगों का पूरा कैंप का सेटअप हो गया है, हवा तेज होने के कारण यहाँ पे थोड़ा आग लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर अभी सब सॉर्टेड है। क्या बोलते ब्रो, यो खेलो हवे। तो अभी हमारा किचन का सेशन स्टार्ट होगा, अभी खाना बनाते हैं, फिर स्पेशल खाना बनाएंगे हमारे भवन भैया, मैगी बनाएंगे और ऑमलेट खिलाएंगे। रात को डिनर पे मैगी ऑमलेट फ्रूट्स खाया, तो क्रेजी ये नहीं है कि हमने ये सब खाया, पर क्रेजी ये है कि हम अभी कहाँ पे बैठ के ये सब खा रहे हैं और किसके साथ बैठ के खा रहे हैं। मैगी इन माउंटेन्स के बाद अब वक्त था बकचोदी का, तो हम लोगों ने रात में भर भर के बकचोदी की। वेल, कन्वर्सेशन बाय द बोनफायर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग एट ए माउंटेन, सो कुछ बकचोदी के बाद कुछ अच्छा कन्वर्सेशन और फिर चैन की नींद। कल चले गए थे शायद, अभी मॉर्निंग में सनराइज देखने के लिए वापस आए हैं। यहाँ पे अभी सनराइज हो गया है, जगह जो है यो यहाँ पे हम लोग कल टेंट लगाए थे और सब लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं व्यू के लिए, अभी जाएंगे। पर भवन का गुड मॉर्निंग अभी नहीं हुआ, तो लास्ट नाइट वॉज वेरी कोल्ड और हवा भी बहुत तेज चल रहा था, बट somehow we managed to pass it। एंड अभी ऐसी जगह पे आप आते हो, दोस्तों के साथ नाइट स्टे करते हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी धूप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो सुबह की धूप अभी बहुत अच्छी लग रही है और दिन की शुरुआत की इस खूबसूरत व्यू के साथ। सनराइज माउंटेन्स पे ऑलवेज स्पेशल ही होता है, जस्ट लुक एट दिस व्यूज। तो जब हम उठे तब तक बहुत लेट हो गए थे, हम ट्रैक के ऊपर तो नहीं जा पाए, बट वी डिसाइडेड टू जस्ट सिट रिलैक्स एंड एंजॉय द व्यू विद पीस।
क्योंकि ऐसी जगह पर फिर आप कब आओगे, यू नेवर नो। आप जब ऊपर जाओगे या फिर नीचे आओगे, तब भी रोड साइड पे यहाँ पे बहुत सारा मतलब ऐसी 6-7 करीब व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जाके जो नीचे का जो व्यू है वहाँ का आप वो एंजॉय कर सकते हो। यहाँ ऑन रिसेंट डे उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंटल स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो वॉच टावर हो गया फॉर परफेक्ट व्यूज, और भी बैठने के लिए जगह बनाया है, ये सब थ्रू पॉपुलराइज दिस पिक अमंग द ट्रैवलर्स। Good times out here, and feel free to boost me in case you need help, like, share and subscribe.